dead on Baba's heart throne. मैं बाबा के दिल तक पे विराजमान हूँ. There is deep harmony. बहुत बहुत deep, बहुत गहन हार्मनी है. मेरा दिल स्नेह से भरा हुआ है. There is calmness. बहुत शीतलता है, calmness है. Mind is free from desires. मन किसी भी तरीके की इच्छा से मुक्त है. I am one who is constantly content. मैं वो हूँ जो सदा कंटेंट है, संतुष्ट है. With my part. मैं अपने पार्ट से, अपने भाग से और अपने से. It's fortunate to have contentment. एक भाग्यशाली होने की बात है जिसके पास संतुष्टता हो. By nature, I am a soul. मैं एक आत्मा हूँ. Constantly content. जो सदा contentment all the time. जो सदा हमेशा हमेशा content रहती है, जो निरंतर संतोष संतुष्ट रहती है. जो कुछ भी मेरे पास है और जो मुझे बाबा से मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, मेरी सारी जरूरतें हो रही हैं, मेरी सारी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं. बाबा गिव्स मी बाबा मोर देन आई नीड. मुझे जितना चाहिए उससे बहुत ज्यादा देते हैं. I look at my efforts. मैं अपने जितने भी प्रयास हैं उनको देखती हूँ. Yes, I can do more. मैं और कर सकती हूँ. I can progress. मैं आगे प्रोग्रेस कर सकती हूँ, आगे प्रगति कर सकती हूँ. But लेकिन with the knowledge of drama. ड्रामा के ज्ञान के द्वारा मेरे को संतुष्टता है, संतोष है. और इस संतुष्टता के साथ मेरे पास दृढ़ संकल्प है, दृढ़ निश्चय है. मेरे पास दृढ़ निश्चय है कि मैं और कर सकती हूँ और प्रगति कर सकती हूँ. और कभी निराश और हताश नहीं होते. Contentment helps me to move forward. संतुष्टता का मतलब ही है आगे बढ़ना, मूव फॉरवर्ड. Then if there is disappointment, तो अगर निराशा हो जाए तो मैं स्टक फंस जाती हूँ. कभी कभी भी कभी कभी नहीं कभी भी निराशा के चिंतन संकल्प आने नहीं देना. निराशा के संकल्प आने नहीं देना. सदा याद रखें कि बाबा मेरे साथ हैं, मुझे हेल्प करने के लिए, मेरी मदद करने के लिए. Trust in Baba. बाबा की संपूर्ण निश्चय रखें. As I have pure heart and pure desire. मेरे प्योर मेरा अगर मेरा पवित्र दिल है और to become perfect and complete. मेरी इच्छा भी पवित्र है, परफेक्ट और कंप्लीट. बाबा संपूर्ण और grace many many opportunities.
बाबा बहुत सारे बाबा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, बहुत सारी अवसर क्रिएट करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, मेरी केयर करते हैं और मेरे को प्रोवाइड भी करते हैं, तो ताकि मैं अच्छा प्रयास कर सकूं और आगे बढ़ सकूं। Like these days, Baba and Rama. Baba और Rama. Baba is giving. Baba दे रहे हैं परिस्थितियां ड्रामा की, हमारे को संपूर्ण समय दे रही हैं, enough time, पर्याप्त समय दे रही हैं ताकि हम एक्स्ट्रा प्रयास कर सकें, हम अतिरिक्त प्रयास कर सकें। Since 2 months, लास्ट 2 महीनों से बाबा ने हमारे को एक्स्ट्रा समय दिया है। अनलिमिटेड ब्राह्मण कंपनी, अनलिमिटेड बेहद की असीमित असीमित ब्राह्मण कंपनी साथ सहयोग, ताकि मैं एक्स्ट्रा प्रयास कर सकूं, ऑल्सो बाबा से रिसीव कर सकूं, अतिरिक्त प्रयास भी कर सकूं और बाबा से ले भी सकूं, प्राप्ति कर सकूं संतुष्टता के साथ। ये निश्चय पक्का रखिए। So that you never feel. आप कभी ये अनुभव ये कभी महसूस नहीं करेंगे मैं नहीं कर पाऊंगी। Baba will help us. बाबा हमारी मदद करेंगे। Will give us extra help. बाबा हमारे को एक्स्ट्रा हेल्प मदद और बल पर पावर शक्ति देंगी। So when there is contentment in the heart. जब दिल में संतुष्टता होती है, when always things positive, एक हम हमेशा पॉजिटिव संकल्प सोचते हैं, श्रेष्ठ चिंतन सोचते हैं, सकारात्मक चिंतन सोचते हैं और श्रेष्ठ चिंतन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। So I maintain contentment. मैं अपनी संतुष्टता को बनाए रखती हूँ। Baba is always pleased. बाबा हमेशा with the souls, खुश होते हैं जो आत्माएं जिनको संतुष्टता संतोष होता है। So now I take drishti from Baba. अब मैं बाबा से दृष्टि लेंगे, हम सब दृष्टि लेंगे ये सर्टिफिकेट लेने के लिए, ये संतुष्टता का संतोष का एक सर्टिफिकेट लेने के लिए, एक प्रमाण पत्र लेने के लिए।
रिश्ता अर्थात डबल लाइन दे और देके संबंध सिंधियारा हल्का रिश्ता अर्थात सर्व को स्वयं के चलन और चेहरे द्वारा शांति ओम शांति। अकॉर्डिंग टू द क्लोजनेस समय की समीपता को देखते हुए अव्यक्त फरिश्ता बनो, अपने को प्रकाश स्वरूप आत्मा समझो। टू बिकम एन एंजल फरिश्ता बनना था साकार शरीरधारी होते हुए लाइट रूप में रहना अर्थात सदा बुद्धि द्वारा ऊपर की स्टेज पर रहना। एंजल्स फरिश्ते के पांव धरती पर नहीं रहते, बुद्धि रूपी पांव सदा ऊंची स्टेज पर फरिश्तों को ज्योति की काया दिखाती है। जितना आप अपने को प्रकाश स्वरूप आत्मा समझेंगे तो चलते फिरते अनुभव करेंगे जैसे प्रकाश की काया वाले बनकर चल रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू शांति। आप सबको स्वागत है, आप सबका व्यक्ति परिवार में तीसरा दिन समय की समीपता के अनुसार अव्यक्त फरिश्ता बनो। आज का टॉपिक है अपने को प्रकाश रूप आत्मा समझो। नाउ वी विल लिसन टू माय निधि दीदी। ओम शांति।
Om Shanti, everyone. Om Shanti. Yes, doing well. Okay. Aap sab theek hain? Before we inculcate anything, lot of churning happens. बहुत सारी reflection होती है, churning होती है. बाबा जब हमें फरिश्ता बनने को बोलते हैं तो क्या आप ऑलरेडी बन रहे हैं कि आप बन रहे हैं? So we listen carefully to so many points. हम बहुत सारे पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनते हैं. बाबा हमारे से शेयर करते हैं फरिश्ता होने का, belonging to everyone, सबको बिलोंग करना, सबको सबसे संबंधित होना और एक लाइट का लाइट प्रकाश स्वरूप शरीर. बहुत सारे पॉइंट्स, तो हमारे पास सारे पॉइंट्स हैं बुद्धि में और हमारी स्टेज भी उसके हिसाब से होती है. many times during day, बहुत बार दिन में आप अपने ओरिजिनल और इटर्नल स्टेज को ही प्रयास करें, आप उसको क्रिएट कर रही हैं, बना रही हैं. so प्रकाश का स्वरूप क्या होता है, लाइट क्या होती है बॉडी की, बॉडी ऑफ लाइट. संगम युग भी बहुत सुंदर एक क्राउन ऑफ लाइट दिखाती है. So there is nothing like a crown of light, but because of your purity. Crown of light नहीं, इसको पवित्रता के रूप में समझना होगा. And just have the awareness. उस चीज की अवेयरनेस रखनी है, जागरूकता रखनी है. being of light. मैं एक लाइट की, then automatically, I am a being of light, मैं लाइट स्वरूप हूँ, प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ. जो उसकी प्रकाश फैलता है, जो सारा प्रकाश फैलता है, वो एक लाइट की इमेज क्रिएट करता है. मुझे याद है हम दादी तुलजा को जब मिलते थे, हम उनकी बहुत हल्के पद को महसूस कर सकते थे. far and beyond she is. वो कितनी far and beyond थी. It's like they are untouched. There's so many things which are happening in the physical. इतनी सारी चीजें हो भी रही हैं तो दूर और परे, far and beyond. Even if they have to listen everything, it doesn't. क्योंकि उनको सब कुछ सुनना भी पड़े तो भी. So on high stage and beyond. और एक हाई तक जब हमारी स्थिति होती है और बियॉन्ड परे होती है, how much our thinking goes on, हमारी कितनी सोचनी चलती है, with any situation, कोई भी परिस्थिति में, we just remain detached observer, हम साक्षी दृष्टा होकर रहते हैं. so each one of us, we have to understand, हर एक हमारे को समझना होगा हम कहाँ पे फंसते हैं, कहाँ स्टक होते हैं. consciousness just emerges. कहाँ पे body consciousness, देह अभिमान आता है. देह अभिमान में हम बहुत सारी चीजों से टच होते हैं. and then our attitude, हमारी वृत्ति बहुत लिमिटेड हो जाता है, सीमित हो जाता है. remain unlimited, अगर हम ऊपर और असीमित रहते हैं, अबाउस टच पाए, हमारी बुद्धि किसी चीज से भी टच नहीं होगी. many times in morally, बहुत बार those who are angels, their feet doesn't touch the ground, तो फरिश्ते होते हैं, उनके पैर धरती पर नहीं लगते. what it means not touching the ground, तो क्या मतलब है वो बुद्धि, मतलब है कि बुद्धि बहुत सारे ड्रामा की बहुत सीन्स होती हैं, परिस्थितियां होती हैं,
बहुत खेल होते हैं संस्कारों के, बहुत सारी चीजें होती हैं। बाबा कहते हैं आपको बिल्कुल वो छुए नहीं वो चीजें। Your intellect has to remain above. आपका आपकी बुद्धि को ऊपर, above and beyond, ऊपर रहना है, above. Doing everything here. सब कुछ यहाँ करते हुए ऊपर रहे. Then we will be touched by Baba. तब हम बाबा की से टच हो पाएंगे, बाबा की टचिंग हमें मिलेगी. Or you will receive. या फिर आपको you will experience. आपको अनुभव होगा. Or in other words, you will be listening to Baba. और दूसरे शब्दों में आप बाबा को सुन सकेंगे, बाबा की मुरली के पॉइंट, बाबा की डेफिनेशन। अदरवाइज पॉइंट इमर्ज होंगे, व्हाट हैपेंड मॉर्निंग, व्हाट्स हैपनिंग, यू नो लाइक ऑल द टाइम इनटू व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है। तो हमारा ध्यान उस तरफ, फिजिकल वर्ल्ड, वो फिजिकल वर्ल्ड है। So whatever is happening is accurate, right? Because हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, ड्रामा है बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है। Beyond and above. That is what Baba calls it, going beyond and above. Baba isko kehte hain aur pari rehna, above and beyond. Baba gives example. Baba udharan dete hain. Agar aap kuch dekhte hain, agar aap height se kuch dekhte hain aur wo dur se bahut chota lagta hai, when flight takes off, jab ek udaan leta hai plane, ab aap khidki se dekhte hain sab kuch chota दिखता है, but also finally disappear. वो फिर disappear भी हो जाता है एकदम, जैसे कि गायब हो जाता है। From the same level, पर एकदम सेम लेवल से जब हम देखते हैं वो बड़ा सेम स्तर से देखते हैं, वो फिर हमारे को उसका इफेक्ट होता है और हमारी स्थिति पे प्रभाव पड़ता है और हमारी स्थिति डाउन होती है। There are so many big things can happen. बहुत बड़ी सारी चीजें हो सकती हैं, mind, body, मन से, शरीर से, संबंध संपर्कों से। What will we do at that time? हम उस समय पे क्या करेंगे? So if there is a habit, अगर एक हैबिट है, of not getting affected, going beyond, एक आदत है going beyond की, स्थिति पे परे रहने की, ओके, वो एक प्रैक्टिस है। And when there is attainment, जब उससे प्राप्ति होती है लाइटनेस की, attainment, then that attainment pulls us, वो प्राप्ति भी हमें खींचती है, हम और तरफ को उस स्थिति में रहने के लिए और हम लोग अट्रैक्ट रहते हैं और आकर्षित रहते हैं। सेम थिंग्स वी सी वी हियर, वही सेम चीजें हम सुनते हैं बोलते हैं। Different, because if we फर्क different होने चाहिए, क्योंकि हम अनुभव करने के लिए पैदा हुए हैं, एक प्रकाश स्वरूप और एक लाइट है, लाइट स्वरूप रहने के लिए। How many of you have experienced that? आप सब में से कितनों को इस चीज का अनुभव हुआ है? How many can I see hands? Because whatever Baba says, we have to implement, right? Baba जो भी कहते हैं उसको हमारे को implement करना है, हमारे को उसको follow करना है, अमल में लाना है। We become that, we experience, then we वो बन जाती हैं, अनुभव करती हैं, फिर अगला हम step लेते हैं। If you are at the same step, अगर हम सेम ही स्टेप पे होंगे, सीढ़ी पे होंगे, उसी कदम पे होंगे,
go beyond. ऊपर ऊपर जाएं, go beyond, ऊपर above and ऊपर और परे. व्यक्ति signals. ये सारे व्यक्ति signals जो है वो हमारे गृह कार्य की तरह है, homework. And if our intellect is in practice, there is such a great joy and content. और जब हमारी बुद्धि प्रैक्टिस करती है, प्रयास करती है, तो बहुत खुशी महसूस होती है. जो बाबा हमें कह रहे हैं, नहीं तो फिर हमें ऐसा महसूस होता है हम वो नहीं कर रहे जो बाबा हमसे कह रहे हैं. This kind of feeling, इस तरीके की फीलिंग टीचर की तरह. Then I finish my homework. जब मैं अपना गृह कार्य खत्म करती हूँ तो then I say, when I go in front of teacher, तो मैं टीचर के जब सामने मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है. So a good child, तो एक अच्छा बच्चा वो सारी की सारी टीचिंग्स पढ़ाई जो पढ़ाती हैं वो फॉलो करते हैं. वो अच्छे स्टूडेंट होते हैं और अच्छे से प्रॉपरली और रेगुलरली पढ़ाई करते हैं. नियमित रूप से करते हैं और सतगुरु को हमेशा फॉलो करते हैं. So then there can be transformation. ताकि बदलाव आ सके, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन आ सके. Whatever we are able to do, जो भी हम कर सकें it will inspire others also. दूसरों को भी एक प्रेरणा मिलेगी. Every human being is sensitive to feelings and experience. हर एक human being को, हर एक इंसान को sensitive होती है feelings को. Have that stage. आपकी वो स्थिति होनी चाहिए. So that others can experience. इससे भी experience कर सके. This is quite a help. मदद करते हैं cooperation की. Finish off very quickly the past. Past है उसको जल्दी से खत्म करने की शक्ति खत्म कर दें. If we think about the past, will it anyway? कोई तरीके से हमारी मदद करेगा अगर हम past के बारे में सोचेंगे तो. And we want to be light. हमें light होना है. Want to be light. So that's why light and Baba says. बाबा कहते हैं. Point as full stop. बाबा कहते हैं बिंदु भी यूज करो point को. To be in your eternal stage. और बाबा कहते हैं पॉइंट को अपनी इटर्नल स्थिति में भी रहने के लिए यूज करो. Stopping is not enough. सिर्फ रुकना काफी नहीं है. But continuing on journey. और जर्नी पे चलते रहना, कंटिन्यू करना. So this eternal stage. जारी रखना इस इटर्नल इटर्नल स्टेज को और फिर उससे ओरिजिनल स्टेज को एक्सपीरियंस अनुभव करना. बाबा wants to see. बाबा देखना चाहती हैं. Our faces. हमारी मुख को जैसे परिष्ठा स्वरूप मुख को देखना चाहती हैं. बाबा decorated us no yesterday. बाबा ने कल हमारा श्रृंगार किया. At least, you can feel that. आप ऐसा फील कर सकती हैं. Even if one hour, one and a half hour, one in the morning. अगर एक घंटा सुबह या एक डेढ़ घंटा एक घंटा सुबह साढ़े तीन ढाई बजे से चार बजे या तीन से चार सवेरे एक बार आप प्रयास करेंगे आप उसका स्वरूप बन सकते हो. ये बहुत बहुत सटल सूक्ष्म अभ्यास और एफर्ट्स हैं. ब्रह्मा बाबा की जिंदगी में ये बिल्कुल विजिबल थे, बिल्कुल दृश्यमान थे. सुबह वॉक के लिए जाती थी, बच्चों के साथ होती थी, घूमते थे, वॉक अराउंड. अलग था हर बार. जब भी हमने उनको देखा तो हम देखते थे very beyond. वो बिल्कुल beyond परे होते थे.
वो देखते हुए भी अगर वो देख भी रहे होते थे सब कुछ ब्रह्मा बाबा, पर वो सिर्फ वही देखते थे जो वो देखना चाहते, देखना चाहते। तो आप रोज अपनी दृष्टि वृत्ति संकल्प दूसरों के लिए किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना, किसी की आलोचना नहीं करना, दूसरों के बारे में बोलना, कार्मिक अकाउंट भी क्रिएट होते हैं, जैसे जो है उसको वैसे होने दें, मैं अपना पार्ट प्ले करूंगी, वो अपना पार्ट प्ले करेंगे। तो दृढ़ निश्चय रखिए और बहुत फर्म चिंतन रखें और ये लक्ष्य रखें संगम युग पे मेरे को फरिश्ता बनना है और इस प्रकाश स्वरूप बनना है आत्मा में। ओम शांति एवरीवन। ओम शांति शांति। According to the closeness of time, समय की समीक्षा के अनुसार अव्यक्त फरिश्ता बने। Consider yourself to be a soul, अपने को प्रकाश स्वरूप आत्मा समझो। To become an angel, फरिश्ता बनना अर्थात साकार शरीर धारी होते हुए लाइफ रूप में रहना, अर्थात सदा बुद्धि द्वारा ऊपर की स्टेज पर रहना। फरिश्ते के पांव धरनी पर नहीं रहते, बुद्धि रूपी पांव सदा ऊंची स्टेज पर फरिश्तों को ज्योति की काया दिखाते हैं। तो जितना अपने को प्रकाश स्वरूप आत्मा समझेंगे, उच्चल फिरते अनुचलते फिरते अनुभव करेंगे जैसे प्रकाश की काया वाले फरिश्ते बनकर चल रहे हैं। In a body of light, walking and moving around. Om Shanti. Om Shanti, Avikti Parivar. So tomorrow is Tuesday. कल मंगलवार है. Om Shanti. सुबह 5:30 बजे तक का लंबित मेला है. Tuesdays will be having अव्यक्त English मूवी का revision होगा. 5 to 6 बजे मेडिटेशन होगी, 6 to 7:45 बजे हिंदी सीरीज मेडिटेशन कमेंट्री होगी दीदी जी से, इंग्लिश सीरीज और फिर अव्यक्ति जर्नी। Now let's start अव्यक्ति जर्नी। वेलकम टू अव्यक्ति जर्नी। अव्यक्त मूवीज स्वागत है। अव्यक्त मूवी इंस्पायरिंग अस टू चेंज फ्रॉम ब्राह्मण टू एंजल। शांति। ओम शांति। 23rd January 1970 Methods to attain success in service. सेवा में सक्सेस लाने के तरीके, आपका और भी युगल है, सदा साथ रहने वाला युगल है, कौन है यहाँ सदैव युगल रूप में रहेंगे तो वहाँ भी युगल रूप में राज्य करेंगे। इसलिए युगल को कभी अलग नहीं करना। जैसे चतुर्भुज कंबाइंड होता है वैसे यह भी कंबाइंड है। इन द सेम वे बाबा को अपने से कभी अलग नहीं करना। ऐसे युगल कभी देखा 84 जन्मों में 84 युगलों में ऐसा युगल कब मिला? तो जो कल्प में एक बार मिलता है
उनको तो पूरा ही साथ रखना चाहिए ना। अभी याद रखना है कि हम युगल हैं, अकेले नहीं हैं। जैसे स्थूल कार्य में हार्ड वर्कर हो, वैसे ही मन की स्थिति में भी ऐसे ही हार्ड हो जाओ, जो कोई भी परिस्थिति में पिघल ना जाए। हार्ड चीज पिघलती नहीं है। तो ऐसे ही स्थिति और कर्म दोनों हार्ड हो, जैसे साथ अति स्नेह होता है उसको साथ रखा जाता है, जिसके साथ अति स्नेह होता है उसको साथ रखा जाता है ना। तो सदा ऐसा समझो कि मैं युगल मूर्त हूँ। अगर युगल साथ होगा तो माया आ नहीं सकेगी। युगल मूर्त समझना यही बड़े बड़ी युक्ति है। कदम कदम पर साथ रहने के कारण समझ रहता है, शक्ति रहती है, फिर माया आएगी नहीं। To consider yourself to be the combined image. Body student हो, double student बन करके फिर आगे का लक्ष्य क्या रखा? At every step. Double student बनकर के फिर आगे का लक्ष्य क्या रखा? ऊंच पद किसको समझते हो? लक्ष्मी नारायण बनेंगे? All of you are godly students. कैसे लक्ष्य रखा जाता है? तो लक्ष्य के साथ फिर और क्या धारणा करनी पड़ती है? जैसे लक्ष्य रखा जाता है तो लक्ष्य के साथ फिर क्या धारणा करनी पड़ती है? लक्षण अर्थात देवी गुण। लक्ष्य जो इतना ऊंचा रखा है तो इतने ऊंच लक्षण का भी ध्यान रखना है। इतने ऊंचे लक्षण का भी ध्यान रखना है। छोटी कुमारी बहुत बड़ा कार्य कर सकती है। अपनी प्रैक्टिकल स्थिति में स्थित हो, किसको बैच सुनाया तो उनका असर बड़ों से भी अधिक हो सकता है। सदैव लक्ष्य यही रखना है कि मुझ छोटी को कर्तव्य बहुत बड़ा करके दिखाना है। देह भल छोटी है लेकिन आत्मा की शक्ति बड़ी है। जो जास्ती पुरुषार्थ करने की इच्छा रखते हैं उनको मदद भी मिलती है। सिर्फ अपनी इच्छा को दृढ़ रखना तो मदद भी दृढ़ मिलेगी। इतना भी कोई खिलाए लेकिन यह संकल्प पक्का रखना। संकल्प पक्का होगा तो फिर सृष्टि भी ऐसी बनेगी। How much someone tries to shake you. संकल्प पक्का होगा तो फिर सृष्टि भी ऐसी बनेगी। कल जिस्मानी सर्विस भी करते हो, जिस्मानी सर्विस भी एक साधन है, इसी साधन से सर्विस कर सकते हो। ऐसे ही समझो कि इस सर्विस के संबंध में जो भी आत्माएं आती हैं, उनको संदेश देने का यह साधन है। To give the message. सर्विस में तो कोई कई आत्माएं कनेक्शन में आती हैं। जैसे यहाँ जो आए उन्हीं को भी सर्विस के लिए संबंधियों के पास भी भेजा ना। ऐसे ही समझो कि सर्विस के लिए स्थूल सर्विस कर रही हैं, तो फिर मन में भी उसमें लगेगा और कमाई भी होगी। So think that you are doing. अलौकिक समझ कर फिर कोई और वातावरण में नहीं आएंगे। जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति होती जाएगी वैसे बोलना भी कम होता जाएगा। कम बोलने से ज्यादा लाभ होगा। फिर इस योग की शक्ति से सर्विस करेंगे, योग बल और ज्ञान बल दोनों इकट्ठा होता है। अभी ज्ञान बल से सर्विस हो रही है। There will be greater benefit. योग बल गुप्त है लेकिन जितना योग बल और ज्ञान बल दोनों समानता में लाएंगे उतनी सफलता होगी। सारे दिन में चेक करो योग बल कितना रहा, ज्ञान बल कितना रहा, फिर मालूम पड़ जाएगा कि अंतर कितना है। सर्विस में बिजी हो जाएंगे तो फिर विघ्न आदि भी टल जाएंगे। दृढ़ निश्चय के आगे
कोई रुकावट नहीं आ सकती। ठीक चल रहे हैं, अथक और एकरस दोनों ही गुण हैं। सदैव फॉलो फादर करना है, जैसे आकार रूप में अथक और एकरस एग्जांपल बनकर दिखाया, वैसे ही औरों के प्रति एग्जांपल बनना है। When you become busy in service, obstacles, etc., will also be removed. There cannot be any hindrance when there is service. है, सदैव फॉलो फादर करना है, समय भर ना भी मिले सर्विस का, लेकिन चरित्र भी सर्विस दिखला सकती है। Just as चरित्र से भी सर्विस होती है, सिर्फ वाणी से नहीं होती। Become an example. आपके चरित्र उस विचित्र बाप की याद दिलाएं। You may not have time for तो सहज सर्विस है ना, जैसे कई लोग अपने गुरु का वस्त्री अपने पति का फोटो लॉकेट में लगा देती है ना, यह एक स्नेह की निशानी है। तो तुम्हारा यह मस्तक जो है, यह भी उस विचित्र का चरित्र लाए। Some people or some wives keep a picture of their guru or their husband. तो तुम्हारा यह मस्तक जो ये है, यह भी उस विचित्र का चरित्र दिखलाए। Should show the activity of the one. यह नहीं, उस विचित्र का चित्र दिखाए। ऐसा अविनाशी लॉकेट पहना है, पहन लेना है। अपनी स्मृति रहेगी और सर्विस भी होगी। ब्राह्मणों का अपनी स्मृति में रहेगी और सर्विस भी होगी। This is the second murli. ये दूसरी मुरली है। 24 जनवरी 1970 ब्राह्म टाइटल है। ब्राह्मणों का मुख्य धंधा समर्पण करना और कराना। अपनी जीवन की नैया किसके हवाले की है? शिव बाबा की। श्रीमत पर पूर्ण रीति से चल रही हो। श्रीमत पर चलना अर्थात हर कर्म में अलौकिकता लाना। शिव बाबा के वर्षे का पूरा अधिकारी अपने को समझते हो? तो वर्षे के अधिकारी बनते हैं, उन्हों का सर्व के ऊपर अधिकार होता है। वह कभी भी बात के अधीन नहीं होते, कोई भी बात के अधीन नहीं होते। अगर अधीन होते हैं देह के संबंधियों व देह के कोई भी वस्तुओं से, तो ऐसे अधीन होने वाली अधिकारी नहीं हो सकते। ऐसे अधीन होने वाले अधिकारी नहीं हो सकते। अधिकारी अधीन नहीं होते हैं। सदैव अपने को अधिकारी समझने से, कोई भी माया के रूप के अधीन बनने से बच जाएंगे। हमेशा यह चेक करना कि अलौकिक कर्म कितने किए हैं और लौकिक कर्म कितने किए हैं। अलौकिक कर्म औरों और अलौकिक बनाने की प्रेरणा देंगे। सभी ने यह लक्ष्य रखा है कि हम सभी ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे ऊंची से ऊंचा राज्य पद प्राप्त करेंगे। पर जो मिलेगा वही ठीक है। जब ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं, तो लक्ष्य भी ऊंचा रखना है। जब अविनाशी आत्मिक स्थिति में रहेंगे, तब ही अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। आत्मा अविनाशी है ना? Kept a high aim. आत्मा अविनाशी है ना? Perishable stage of soul consciousness. Will you attain imperishable happiness? Souls are imperishable, are they not? To be continued. And it's going to continue for you.
according to the closeness. समय की समीपता के अनुसार अव्यक्त फरिश्ता बने. Consider yourself. अपने को प्रकाश स्वरूप आत्मा समझो. To become an फरिश्ता बनना अर्थात साकार शरीरधारी होते हुए लाइट रूप में रहना अर्थात सदा बुद्धि द्वारा ऊपर की स्टेज पर रहना. Angels don't sit. फरिश्ते के पांव धरती पर नहीं रहते. The feet of your intellect should always be on the ground. सदा ऊंची स्टेज पर. Angels are shown. फरिश्तों को ज्योति की काया दिखाते हैं. The more you consider yourself, अपने को प्रकाश स्वरूप आत्मा समझेंगे, चलते फिरते अनुभव करेंगे जैसे प्रकाश की काया वाले फरिश्ते बनकर चल रहे हैं. शांति. समय की समीपता प्रमाण अव्यक्त फरिश्ता बनो. अपने को प्रकाश स्वरूप आत्मा समझो. फरिश्ता बनना अर्थात साकार शरीरधारी होते हुए लाइट रूप में रहना अर्थात सदा बुद्धि द्वारा ऊपर की स्टेज पर रहना फरिश्ते के पांव धरती पर नहीं रहते. बुद्धि रूपी पांव सदा ऊंची स्टेज पर. फरिश्तों को ज्योति की काया दिखाते हैं तो जितना अपने को प्रकाश स्वरूप आत्मा समझेंगे तो चलते फिरते अनुभव करेंगे जैसे प्रकाश की काया वाले फरिश्ते बनकर चल रहे हैं.